चलो फ्रेंड, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने लगा, अगर आप अपने व्हाट्सअप पर प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं तो वहाँ पे कटा हुआ मतलब फोटो क्रॉप हुआ फोटो लगता होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग वहाँ पे फुल फोटो लगा सकते हैं बिना क्रॉप किए, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कैसे आप लोग अपने व्हाट्सअप पर फुल प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने WhatsApp में फुल प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, अपने गैलरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को जो भी वो फोटो लगाना है उसे आप लोगों को पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमको लगाना है। दोस्तों, क्या करना है आप लोग को, प्रोफाइल पिक्चर जो भी प्रोफाइल पिक्चर लगाना है उसे आप लोग को पहले ओपन कर लेना है अपने गैलरी में। तो ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, सिंपली आप लोग को एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का खुल कर आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, एडिट वाले एक और ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। आपके मोबाइल में एक ही बार में खुल जाएगा, उससे कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, हमारे मोबाइल में दो बार में खुल रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने मोबाइल में। तो दोस्तों, आप लोग क्या करना है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, आप जैसे ही आप लोग अपने एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन खुल कर आ जाएगा, एक क्रॉप का और रोटेट का। आप लोग का क्या करना है, यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोग के यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे राइट यहाँ पे दो ऑप्शन खुल कर आ गया है। तो आप लोग क्या करना है, लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आप लोग का फोटो यहाँ पे लेफ्ट में मतलब यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोग यहाँ पे साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे साइन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का खुल कर आ जाएगा, उसके बाद मतलब सेव हो जाएगा। उसके बाद तो दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, आप लोग यहाँ पे फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को मोबाइल के होम स्क्रीन पर होम बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद आप लोग को थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ऊपर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग को एक कैमरा वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे गैलरी खुल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग को जो फोटो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिए थे उसे आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं यही फोटो को मतलब देखिए यहाँ पे मैं यही फोटो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे तीन मतलब यहाँ पे कैंसिल का, यहाँ पे डॉन का, एक बीच में रोटेट का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। सिंपली इस रोटेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करना है, और एक बार और क्लिक करना है, तीन बार क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को डॉन कर देना है, यहाँ पे डॉन कर देना है। जैसे ही आप लोग डॉन कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल प्रोफाइल पिक्चर मतलब सेट हो जाएगा आपके व्हाट्सअप में। दोस्तों, आप लोग इस प्रकार अपने व्हाट्सअप में फुल प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं।